देवरिया में हुए हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। 2 अक्टूबर को जमीन विवाद को लेकर पहले प्रेमचंद यादव की हत्या की गई, फिर बदले की भावना से सत्य प्रकाश दुबे सहित उसके परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यानी इस हत्याकांड में 6 लोगों की मौत हो गई थी। अब देवरिया में एक और हत्याकांड हो गया। देवरिया में छठ पूजा करने के लिए पत्नी ने पैसे मांगे तो पति ने बेरहमी से हत्या कर दी और शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में लादकर गांव से भाग निकला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने 36 घंटे के अंदर ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। देवरिया जनपद में सुरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुकई परसिया ग्राम की घटना है, जिसके संदर्भ में 18 तारीख को पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम विपिन सिंह है, उन्होंने पारिवारिक विवाद में अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और डेड बॉडी को कहीं छिपा दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचा और जो ये आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी निशानदेही पर जो डेड बॉडी है उसको भी बरामद कर लिया गया है। सघन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुशीनगर जिले से महिला का शव बरामद किया है। दरअसल ये घटना 18 नवंबर की बताई जा रही है। थाना सुरौली के ग्राम सुकई परसिया निवासी आलोक उर्फ विपिन सिंह ने गांव की रहने वाली खुशबू सिंह से साल 2018 में लव मैरिज की थी। विपिन के घर वाले लड़की को रखने को तैयार नहीं थे, लेकिन गांव में फिर पंचायत हुई और परिवार राजी हो गया। मृतिका के पिता हरि सहाय सिंह के मुताबिक बेटा पैदा न होने के कारण ससुराल वाले अब खुशबू को परेशान करने लगे थे। पति विपिन भी मारपीट करने लगा था, फिर दहेज की भी डिमांड होने लगी। 18 नवंबर को आरोपी विपिन अपने ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहा था। इसी बीच पत्नी खेत पर पहुंची और छठ पूजा का सामान लेने के लिए पैसे मांगने लगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और आरोपी ने पहले सिर पर वार किया और जब पत्नी जमीन पर गिर गई तो उसे बुरी तरह से पीट दिया। हत्या के बाद उसने शव को खेत में ही छुपा दिया। अब पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।